करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि ओड नंबर क्या होते हैं। ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो टू से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। ओड नंबर क्या होते हैं जो टू से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर क्या होते हैं जो टू से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। तो इसे कहता है कि सम ऑफ एनी टू ओड नंबर। ओड नंबर जैसे हमने एक तो ले लिया वन और एक ले लिया थ्री, एक तो वन ले लिया और एक थ्री ले लिया, तो वन और थ्री का सम क्या होगा, फोर। फोर तो टू से डिवाइड होता है तो इवन नंबर आ जाएगा। तो पहले का तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, कि सम ऑफ टू ओड नंबर, सम ऑफ टू ओड नंबर, टू ओड नंबर कितना क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। दो ओड नंबर का सम क्या आ जाएगा, इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर का सम इवन ही होगा। तो दूसरा पार्ट आ जाएगा सम ऑफ टू इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का सम कितना आ जाएगा, इवन नंबर ही आएगा। कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट है द सम ऑफ थ्री ओड नंबर इज इवन। कहता है कि सम ऑफ थ्री, थ्री ओड नंबर का जो सम है वो क्या आएगा, इवन आएगा। तो थ्री ओड नंबर देख लो, वन थ्री फाइव ले लो तो ये कितने हो जाएंगे, एट, और एट और वन नाइन, ये कहता है इवन आएगा। नाइन तो कैसा है, ओड नंबर है क्योंकि वो टू से डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या आ जाएंगे, फोर्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, फोर्स। अब बी पार्ट अपने पास सम ऑफ टू ओड नंबर एंड वन नंबर इज इवन। कहता है कि दो ओड नंबर, दो ओड नंबर ले लिया, एक तो वन ले लिया एक थ्री ले लिया, ठीक है, एंड वन इवन नंबर और एक इवन नंबर ले लिया टू। तो कहता है कि इज इवन, इनका जो सम होगा वो इवन होगा। तो कितना होगा, थ्री और टू फाइव, फाइव और वन कितना हो जाएगा, सिक्स हो गया। और ये कहता है कि द सम ऑफ टू ओड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन, तो ये बात सही है। तो क्या आ जाएगा इसमें, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये आप एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ओड नंबर इज ओड। कहता है कि थ्री ओड नंबर की प्रोडक्ट ओड होगी। थ्री ओड नंबर ले लो, वन थ्री फाइव ले लिया, वन थ्री जा थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू क्यों आ जाएगा, क्योंकि फिफ्टीन भी कैसा नंबर है, ओड नंबर है। यही इसने कहा है कि तीन ओड नंबर की प्रोडक्ट ओड ही होगी। बी पार्ट है इवन, इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू, द क्वोशेंट इज ऑलवेज ओड। कहता है कि इवन नंबर को अगर इससे डिवाइड किया जाए, किससे, टू से, तो क्वोशेंट हमेशा ओड ही आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स है, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑल प्राइम नंबर आर ओड। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर या तो वन से डिवाइड होता है या अपने आप से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं टू से, क्योंकि वन से ग्रेट होते हैं प्राइम नंबर। स्टार्ट टू, टू कैसा नंबर है, ओड नंबर। और ये कह रहा है कि सारे प्राइम नंबर ओड है, और टू एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और टू कैसा है, इवन है। टू इज द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, तो ये बात गलत है। तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि प्राइम नंबर टू से स्टार्ट होते हैं। टू इवन नंबर है, ना कि ओड नंबर।